हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूँगा स्पेलिंग और इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स के कुछ क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस बैंक पीओ में, बैंक क्लर्क में, दोनों ही एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूँगा। इस पूरे वीडियो क्लास को ध्यान से देखिए। और यदि आप फ्री ई बुक्स लेना चाहते हैं वोकेबलरी के लिए या ग्रामर के लिए या प्रीवियस क्वेश्चंस के लिए, तो आपको इस साइट पर जाना है। इस साइट को आप जरूर विजिट करें, englishiq.in, और यहाँ से आप फ्री ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, इस बार SBI PO में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो काफ़ी सरल क्वेश्चंस आए थे, और इस बार भी IBPS PO में कुछ इजी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा और काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। और इजी क्वेश्चंस में ये ज़रूरी है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट ना रहें, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट के चक्कर में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सरल क्वेश्चंस को भी गलत कर देते हैं। तो इसका आप ध्यान रखिए। अब जैसे देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है कि यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, और इस सेंटेंस में ये चार वर्ड दिए हैं जिनको बोल्ड किया गया है। ठीक है, अब चारों बोल्ड वर्ड्स में से कोई भी एक वर्ड, या तो उसकी स्पेलिंग गलत हो सकती है, या वो सेंस के अकॉर्डिंग या कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इनअप्रोप्रिएट हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट दिया है, यहाँ पर ये इंक्रीज दिया है, यहाँ पर एफर्ट्स दिया है, और यहाँ पर दिया है ट्रेंड। ठीक है, तो इसमें ट्रेंड की आप स्पेलिंग ध्यान से देखिए, TRAI। देखिए, काफ़ी कन्फ्यूजिंग वर्ड्स है, काफ़ी कन्फ्यूजिंग ये वर्ड है, और ऐसे ही वर्ड एग्जाम में आते हैं जिसमें जिसमें एकदम देखने से लगता है कि ये सही होगा, लेकिन वो गलत होता है। ट्रेंड में एक्चुअली डबल एन नहीं आता, ट्रेंड में। ठीक है, तो ट्रेंड की स्पेलिंग गलत है इसमें, और इसमें आंसर होगा आपका 4। बाकी इनअप्रोप्रिएट वर्ड इसमें कोई नहीं है। टू प्रॉम्प्ट आ सिग्निफिकेंट इंक्रीज, सिग्निफिकेंट इंक्रीज एक अच्छी, एक इंक्रीज को प्रॉम्प्ट करने के लिए, एक इंक्रीज को इनकरेज करने के लिए या बढ़ावा देने के लिए। टू प्रॉम्प्ट आ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अप्रेंटिस बींग ट्रेंड, PSU आर लॉन्चिंग नोबल एफर्ट्स। टू प्रॉम्प्ट ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अप्रेंटिस, मतलब अप्रेंटिस की संख्या बढ़ाने के लिए PSU जो है वो कुछ नए एफर्ट्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है आगे करना, उसको बढ़ावा देना, इसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट। तो ट्रेंड की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, और इसमें आपका आंसर होगा 4। अब देखिए, इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। दिस कैन बी डन बाय स्विचिंग ओवर टू इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन फॉर ऑर्बिट राइजिंग एंड टू कीप द सैटेलाइट इन द राइट पोजिशन एंड ऑरिएंटेशन इन द ऑर्बिट। इस सेंटेंस को पढ़ के, यदि आप रीडिंग करते हैं रेगुलर बेसिस पर, तो आप इस सेंटेंस को पढ़ के बता सकते हैं कि इस सेंटेंस में किस चीज़ का रेफरेंस दिया गया है। ठीक है, इस सेंटेंस में अभी चंद्रयान 2 लॉन्च किया था इंडिया ने, तो उसका रेफरेंस इसमें दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से आप देखिए, एक होता है पॉपुलेशन जिसका मतलब होता है जनसंख्या, और एक होता है प्रोपल्सन मतलब आगे धकेलना किसी चीज़ को। तो प्रोपल्सन की सही स्पेलिंग क्या है, क्या ये सही स्पेलिंग है प्रोपल्सन की? प्रोपल्सन में SION आता है, TION नहीं आता। तो प्रोपल्सन की जो स्पेलिंग जो होगी, PROPULSION होगी। ठीक है, और इसमें आंसर होगा आपका 3। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। द फोटो केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑरेंज कलर इन द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हेल्प मेंटेन हेल्दी आइज एंड इम्प्रूव वंस इम्यून सिस्टम। मतलब फ्रूट्स में और वेजिटेबल में जो फोटो केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से उनका रंग ऑरेंज होता है, वो हेल्प करते हैं हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मेंटेन करने में और अच्छी हाई आइज को मेंटेन करने में। तो फोटो केमिकल की स्पेलिंग तो सही है, वेजिटेबल BEGETABLES सही है, मेंटेन सही है, हेल्दी सही है, तो चारों ही स्पेलिंग इसमें सही है, और यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑल करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इन द DBT सिस्टम सब्सिडीज आर ट्रांसफर टू बेनिफिशियरीज डायरेक्टिवली थ्रू देयर बैंक अकाउंट। डायरेक्टिवली वर्ड गलत है यहाँ पर, डायरेक्टली होना चाहिए इसका कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट गलत है इसका, इनअप्रोप्रिएट है ये वर्ड। स्पेलिंग तो सही है लेकिन ये वर्ड इनअप्रोप्रिएट है। ट्रांसफर्ड में डबल आर आता है तो ये तो सही है, और थ्रू सही है, थ्रू वर्ड भी सही है,
बैंक अकाउंट के द्वारा भेजा जाता है। बैंक अकाउंट को एक मीडियम की तरह हम यूज़ कर रहे हैं और मीडियम के लिए हम थ्रू लगाते हैं। तो थ्रू तो सही है, ट्रांसफर सही है, अकाउंट सही है, डायरेक्टिवली नहीं आएगा, डायरेक्टली आएगा। बेनिफिशियरी क्या होता है? बेनिफिशियरी जिसको फ़ायदा मिलने वाला है वो होता है बेनिफिशियरी। सब्सिडी एक तरीके का डिस्काउंट होता है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को दिया जाता है, वो होता है सब्सिडी। जैसे गैस सिलेंडर पर इस समय सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है तो उसको हम बोलते हैं सब्सिडी, यानी छूट, यानी डिस्काउंट। बेनिफिशियरी जिसको फ़ायदा मिलेगा किसी चीज़ का, उसको हम बोलते हैं बेनिफिशियरी। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सर्ज इन इन्फ्लेशन फॉर बोथ फूड एंड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स रूल्स आउट अ रेट कट बाय RBI इन इट्स नेक्स्ट मॉनिटरी पॉलिसी रिव्यू। सर्ज का मतलब होता है आगे बढ़ना या ऊपर जाना। सर्ज इन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन यदि बढ़ता है फूड और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का, ठीक है, तो रूल आउट अ रेट कट। इसका मतलब ये नहीं है कि RBI अपना जो इंटरेस्ट रेट है उसको कट करेगी, इंटरेस्ट रेट में कमी लाएगी। रूल आउट का मतलब है किसी चीज़ से इनकार करना। तो मॉनिटरी की स्पेलिंग देखिए, देखने में ये बिल्कुल सही लग रही है मॉनिटरी की, लेकिन इसमें TARY होता है मॉनिटरी, ठीक है। देखने में एकदम सही लग रही है ये स्पेलिंग, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें गड़बड़ा जाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस में। तो मॉनिटरी में थर्ड इसमें आपका आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन IBPS PO प्री में और IBPS क्लर्क में डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और IBPS PO के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने एक फ्री कोर्स लॉन्च किया है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर जाके आपको अपने डिटेल डालना है और कुछ नहीं करना है। और examinee.in हमारी जो वेबसाइट है उस पर मैं आपको फ्री कोर्स एक्टिवेट करके दूंगा। लेकिन ध्यान रखिए कि फ्री कोर्स में जो कंटेंट मिलेगा इसमें केवल 30 ही वीडियो मिलेंगे आपको, लिमिटेड कंटेंट रहता है। यदि आप एक प्रोफेशनल तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, फुल तैयारी करना चाहते हैं IBPS PO की, IBPS क्लर्क की या SSC की, तो इसके लिए मेरे पेड कोर्सेज चल रहे हैं, पेड टारगेट बैचेज चल रहे हैं। इनके लिंक्स भी आपको नीचे मिल जाएंगे, तो उनके थ्रू आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी सफलता आप सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सेंटेंस में कौन से वर्ड की, बोरोवर्स तो ठीक है, मैनी बोरोवर्स अप्रोप्रिएट भी है, फाउंड सही है, रीपे यानी जैसे आप किसी से कर्जा ले लेते हैं और उसको कर्जा चुकाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड रीपे। रैपिड सही है। एक्सपेंशन की स्पेलिंग देखिए, देखने में सही लग रही है लेकिन एक्चुअली ये गलत है, EXPANSION होना चाहिए, ठीक है। एक्सपेंशन की स्पेलिंग ये नहीं है, SION होता है इसमें। एक्सपेंशन मतलब फैलाना किसी चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए, रिफॉर्म्स रिकवरी एंड इसमें इन्वेस्टर तो सही है, TORY आता है इसमें, रिकवरी सही है, रिफॉर्म सही है, कॉन्फिडेंट देखिए देखने में ये सही लग रहा है लेकिन CONFI होता है कॉन्फिडेंट में, CONFIDENT, तो कॉन्फिडेंट वर्ड गलत है यहाँ पर। इसका आंसर होगा आपका सेकंड। तो ये चीज़ें आपको आएंगी, देखिए इंग्लिश सेक्शन में चाहे बैंक PO का एग्ज़ाम हो या SSC का एग्ज़ाम हो, इंग्लिश सेक्शन की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। और अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आप रीडिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप रीडिंग करें, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। एक्सपेक्टेड तो ठीक है, इट्स एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्ट किया जाता है दैट RBI विल स्लैश का मतलब होता है काटना, कटौती करना, स्लैश इंटरेस्ट रेट्स बिफोर द गवर्नमेंट प्रेजेंट्स द बजट। क्या ये प्रेजेंस वर्ड यहाँ पर सही है? इट इज एक्सपेक्टेड दैट RBI विल स्लैश इंटरेस्ट रेट, ये उम्मीद की जाती है कि RBI इंटरेस्ट रेट को स्लैश करेगी, किससे पहले? इससे पहले कि गवर्नमेंट बजट को प्रेजेंट करे। तो गवर्नमेंट क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। और किस चीज़ को प्रेजेंट करने की बात हो रही है? बजट को प्रेजेंट होने करने की बात हो रही है। तो बजट क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या आता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में यहाँ पर जो पोजीशन है ये है पोजीशन वर्ब की, यहाँ पर वर्ब चाहिए। और वर्ब कैसी चाहिए? चूँकि गवर्नमेंट सिंगुलर है तो इसलिए एस या ES वाली वर्ब चाहिए, इसमें एस आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रेजेंस
तो एक्चुअली नाउन हो गया, प्रेजेंट्स आपको बोलना पड़ेगा, प्रेजेंट्स। यानी ये वर्ड की स्पेलिंग तो सही है लेकिन ये इनएप्रोप्रिएट है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फोर्थ। ये रियल क्वेश्चन हैं, ये बैंक पीयू में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, रियल क्वेश्चन हैं। करेज की स्पेलिंग सही है, यूनिक सही है, इंप्रेशन सही है, स्पेशली सही है। ध्यान से देख लीजिए एक बार, इंप्रेशन सही है, यूनिक सही है, तो इसमें आंसर होगा आपका ऑल करेक्ट। चलिए यहां पर देखते हैं, एंटीबायोटिक्स माइक्रोब्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम सही है। देखिए रेजिस्टेंट की स्पेलिंग गड़बड़ लग रही है, आर ई एस आई एस टी ए एन टी होता है, ये देखने में सही लग रही है, आर ई एस आई एस टी ए एन टी होता है रेजिस्टेंट, टी ई एन टी नहीं होता, ठीक है। रेजिस्टेंट का मतलब है कि जैसे एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंस एक पैदा हो जाता है आपकी बॉडी में, अब एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस यदि पैदा हो गया तो कोई भी टेबलेट कोई भी मेडिसिन आप खाते हैं तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। ये होते हैं रेजिस्टेंट माइक्रोब्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और है, वेटरन इम्पोजिशन सही है। लेवी, लेवी क्या होता है? लेवी टैक्स को भी बोलते हैं हम, ड्यूटी को भी बोलते हैं, इम्पोजिशन को भी बोलते हैं। चैनल सही है, इस सेंटेंस को एक बार पढ़ते हैं और फिर देखते हैं इसमें। द वेटरन पॉलिटिशियन हैज सॉट टू चैनल पब्लिक एंगर। वेटरन पॉलिटिशियन, एक पुराने पॉलिटिशियन ने ये रिक्वेस्ट किया है, सॉट किया है कि वो पब्लिक एंगर को चैनल करेगा, उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन देगा। अगेंस्ट द रिसेंट इम्पोजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो अभी GST लगाया है। इम्पोजिशन का मतलब होता है किसी चीज़ को लगाना किसी चीज़ के ऊपर, ये एक नाउन है, ठीक है। इसका वर्ब जो होगा वो होगा इम्पोज। पोर्ट्रेइंग द लेवी एज ए पेनल्टी टू रिकवर द लॉसेस ऑन अकाउंट्स ऑफ मिसिंग फंड्स, इसमें क्या वर्ड गलत लग रहा है आपको? वेटरन की स्पेलिंग गलत लग रही है इसमें, हाँ वेटरन की स्पेलिंग गलत है, VETE होता है, VETERAN होता है, ठीक है। बाकी सब इसमें सही है। तो इस तरीके से इस वीडियो क्लास में मैंने 11 क्वेश्चंस लिए हैं और आगे भी मैं इस तरह की वीडियो क्लासेस अपलोड करता रहूँगा IBPS VO के लिए और क्लर्क के लिए। और एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि इस वेबसाइट पर आप ज़रूर जाएँ और यहाँ से आप ईबुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर दो फ्री कोर्सेज भी चल रहे हैं तो उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक चल रहा है IBPS PO के लिए और एक में मैंने SSC CGL 2017 के पी के पूरा वीडियो सॉल्यूशन डाला है, तो उसको भी आप इस साइट पर जाके आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिवली इसी साइट पर ये अवेलेबल है। और आपका कोई भी डाउट या क्वेरी है तो इस नंबर, इन नंबर्स पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। यदि आप प्रोफेशनल तरीके से एक सीरियस तरीके से आप तैयारी करना चाहते हैं IBPS PO की, क्लर्क की, SSC की, तो उसके लिए आप मेरे पेड कोर्सेज ज्वाइन करें और उसमें आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैं पढ़ाऊँगा। और ये सारे कोर्सेज examinee.in इस वेबसाइट पर चलते हैं, इसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड हम देते हैं, 24/7 आपको सपोर्ट मिलता है और सारे PDFs इसमें अवेलेबल कराए जाते हैं, प्रोफेशनल तरीके से एक सीरियस तरीके से इसमें तैयारी कराई जाती है। तो यदि आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, गवर्नमेंट जॉब आप हासिल करना चाहते हैं बैंकिंग में या गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज में, तो आप मेरे पेड कोर्सेज जरूर ज्वाइन करें, इससे डेफिनेटली आपको हाई स्कोर करने में आपको मदद मिलेगी। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।